वाह भाई वाह, क्या टैलेंट है। आने वाले कुछ सालों में स्कूलों में अब इस चीज की भी पढ़ाई होने वाली है, रील्स वीडियो कैसे बनाएं, टकाटक वीडियो कैसे बनाएं, क्योंकि जिस हिसाब से इनका कंटेंट, ये तो कंटेंट बोलते हैं, जिस हिसाब से इनका कंटेंट वायरल होता है ना, उस हिसाब से तो स्कूलों में आने वाले सालों में सब्जेक्ट आ ही जाएंगे। पल पल में ना खारा देखावे गोरिया, हमारा के चुतिया बनावे गोरिया। हाँ, ये वाली लाइन उन लोगों पे परफेक्ट बैठती है जो लोग इनको लाइक कमेंट शेयर करके आते हैं। यार मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या मजबूरी रही होगी जो तुम इनको लाइक कमेंट शेयर करके आते हो और इनकी इतनी रीच बढ़ा देते हो। नहीं बाबूजी, हमारे से कोई गलती हुई है क्या कि हमारी वीडियोस तुम्हें पसंद नहीं आती और इन दीदी जी की वीडियो तुम्हें बिल्कुल मतलब मस्त लगती है? नहीं यार, मतलब तुम लोग एक बार अपने मुंह से बताओ तो सही कि तुम लोगों को देखना क्या है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम इससे बड़ी वीडियो बना डालेंगे यूट्यूब पे, मतलब ये तो 15 सेकंड 1 सेकंड करते हैं, हम तुम्हारे लिए 2-3 घंटे के बना डालेंगे। चलो फिर भैया, तुम मुद्रा करके दिखाओ, हमें ये देखना है। नहीं हो पाएगा। नहीं मतलब ये चीज मैं देख के हैरान हो चुका हूँ कि इसको चलते हुए देखने के लिए 1 से 1.5 लाख लोग इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट की चौखट पे मत्था दे आए। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे अक्षय भैया, जलनी तो जाहिर सी बात है, मतलब कोई बंदा 10-10 मिनट की वीडियो बना दे, 5-5 मिनट की वीडियो बना दे और ये 15 सेकंड की वीडियो में पूरे सोशल मीडिया का पूरे सोशल मीडिया को हिला दे रहे हैं। एक काम कर, बाहर आ जा स्क्रीन से, आ जा फोन की स्क्रीन से, तू बाहर आ जा। नहीं मतलब फोन के अंदर ही घुस जा एकदम। माना कि वीडियो बना रही है पर पब्लिक को ये तो एहसास मत दिलाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं मतलब वीडियो देखने वाले को ऐसा लगता है कि यहाँ आ जाएगी अभी बार। हाँ वो अलग बात है कि असलियत में हमारी औकात नहीं है, कहाँ इनकी शक्ल और कहाँ हमारी। नहीं मतलब बात तो सही कह रहे हैं कि इससे खूबसूरत मैंने कुछ नहीं कहा। ये साउंड मुझे ही नहीं आ रहा, तुम लोगों को भी नहीं आ रहा। दीदी कुछ बोलो, क्या हो गया? अरे ऐसे क्यों मटक रही हो, खाली गाना तो लगा लो। मेरी मर्जी, मैं क्या गाना लगाए या ना लगाए, तू सिखाएगा मेरी को कि वीडियो कैसे बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, साला गवार क्रिएटर। तभी दीदी जी फ्री रहती है क्योंकि इनके सैया तो हमेशा जाम ही पीते रहते हैं और जब वो जाम पीकर सो जाते हैं तो दीदी जी की ड्यूटी चालू होती है इस पे वीडियो बनाने की। नहीं मतलब तुम लोगों को इस वीडियो में कुछ स्पेशल दिखा क्या, या फिर तुम लोग मेरी तरह इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाए कि इस वीडियो में था क्या और दीदी जी कहना क्या चाहती थी। तो यार टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई बताएगा। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये चीज पता चली है कि इस क्लिप में, इस वीडियो में दीदी जी अपने शरीर में खुजली करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, क्या 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 पूछ रहे हो, क्या कैसे? ये देखो, ये मजबूर है पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। अब तो यकीन हो गया ना कि तुम्हारा भाई बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, एकदम रिसर्च करके तुम्हारे लिए वीडियो बनाता है। वो अलग बात है कि वीडियो पे व्यूज नहीं आते। चला जा भौजी के। बस जी बस 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 बंद करो बंद करो, ये वीडियो आगे नहीं देख सकता, मतलब इतनी क्रिंजी वीडियो। नहीं मतलब मैं ये चीज सोच के हैरान हूँ कि इतने घटिया कंटेंट बनाने वाली लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ रोस्टर। वाह भाई, उनको मेरी तीसरी टांग से सलूट है कि सालो तुमने ठरकपन तो दिखाई दिया है ऐसे कंटेंट क्रिएटर का साथ देके। अब भोपड़ी के रोस्टरों वाला टैग भी हटवा लो अपने ऊपर से, सीधा राजनीति में आ जाओ ना। अभी तुम्हारी पार्टी इस तरफ की हो जाती है, कभी उस तरफ की हो जाती है। चलो यार, मुझे क्या करना, चाहे जहां मरा जाके, उनकी अपनी मर्जी। और अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और जो लोग इस चैनल
चैनल पे नए हैं प्लीज यार सब्सक्राइब मार लो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो लाइक मारो, शेयर मारो और सब्सक्राइब करके दो बेटा, जाने ही है तुम्हारे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।